दोस्तों तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कई ज़रूरी ज़रूरी अपडेट्स हैं जो आप सभी को देनी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों पहली अपडेट ये है, ये जाट कॉलेज का नोटिस है और सिर्फ रीअपीयर के पीजी स्टूडेंट्स के लिए है, जो फोर्थ सेम पीजी स्टूडेंट्स हैं जिनके रीअपीयर के एग्जामिनेशन हैं। तो उनको यह कहा गया है कि आप मस्ट कॉन्टैक्ट द टीचर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। आप जिस भी डिपार्टमेंट से पढ़े हुए हैं, आप अपने उन टीचर्स से बात करें जो आपको रेगुलर पढ़ाते थे जब आप कॉलेज समय में थे, और जिन्होंने ऑनलाइन मोड चूज करा है उनको यह मेल करना है। दोस्तों नेम, फादर नेम, क्लास, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, यह सभी रीअपीयर कैंडिडेट को जिन्होंने ऑनलाइन मोड चूज करा है उन्हें जाट कॉलेज डिजिटल लर्निंग एट द रेट gmail.com पर करना है। यह सभी के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट दोस्तों आती है रीअपीयर के एडमिट कार्ड की बात और रेगुलर के एडमिट कार्ड की बात। तो दोस्तों जाट कॉलेज की ये वेबसाइट है, आप रेगुलर पर क्लिक करेंगे तो रेगुलर के एडमिट कार्ड आ जाएंगे और रीअपीयर पर क्लिक करेंगे तो रीअपीयर के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको जाट कॉलेज के एडमिट कार्ड मिलेंगे। और दोस्तों जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि जो मोड ऑफ एग्ज़ाम चेंज कर सकते हैं, देखिए जाट कॉलेज की वेबसाइट पर आप जाते जाएंगे तो जाते ही आ जाएगा नोटिस जिन्होंने पीजी स्टूडेंट्स हैं और ऑनलाइन मोड चूज़ कर रखा है और वो जो चेंज करना चाहते हैं, ऑनलाइन से ऑफलाइन होना चाहते हैं, तो उन्हें इस पर मेल करनी है। तो दोस्तों जो जाट कॉलेज का हो वो मेल कर देना द एप्लीकेशन को ये सभी चीज़ें, नेम, फादर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यह सभी चीज़ें बतानी है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो या रीअपीयर। इसकी आखिरी डेडलाइन 5 PM 13 सितंबर को थी। तो दोस्तों अगर आप मेल करते हैं तो आज भी मेल कवर हो जाएगी। और दोस्तों यह आपको बताना था, ज़रूरी था। दोस्तों आप सभी की क्वेरी सोल्व करने के चक्कर में मैं ये कवर नहीं कर पाया, मुझे ये अभी दिखा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर मेल करके एक बार पता भी कर सकते हैं कि अब भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों यह MKJK कॉलेज महारानी किशोरी कॉलेज है। तो दोस्तों इसकी अभी भी डेट है अपनी लास्ट 13 तारीख को। यहाँ पर आप क्लिक हेयर करके अपनी फाइनल चॉइस भर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे क्लिक हेयर करा तो उसके बाद यह फॉर्म भरना है आपको और यह आपकी फ़ाइनल चॉइस होएगी। दोस्तों यह बात याद रखना आप लोग, और MKJK कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं उनके पास यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। यह दोस्तों उनकी फ़ाइनल चॉइस होएगी, यहाँ पर साफ तौर पर टाइटल यही है। यह सिर्फ पीजी क्लासेस के मोड ऑफ एग्जामिनेशन की फ़ाइनल चॉइस है और यह MKJK कॉलेज का लिंक है दोस्तों, उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आज आज का दिन है। और दोस्तों यह नेकीराम कॉलेज की वेबसाइट है, यहाँ पर भी एडमिट कार्ड उपलब्ध हैं MSc फिज़िक्स 4th सेम के और MA ज्योग्राफी 4th सेम के। तो दोस्तों जो नेकीराम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एग्ज़ाम मोड चेंज करने की बताऊँगा, कई कॉलेज के प्रिंसिपल या डिपार्टमेंट के HOD वो इतनी भड़क नहीं लेते हैं, वो यह सब जो MDU आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाता है वो लागू नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जाट कॉलेज और MKJK कॉलेज ने लागू करा और यहाँ पर नेकीराम कॉलेज ने भी लागू नहीं कर रखा है एग्ज़ाम मोड चेंज करने की जो छूट दी थी। तो दोस्तों वो जो जो प्रिंसिपल जो जो HOD लागू कर रहे हैं उन्हीं वो वही है और उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका कॉलेज के प्रिंसिपल ही लागू नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। और दोस्तों अब बात आती है एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड दोस्तों आप अपने कॉलेज के ऑफिस से जाकर ले सकते हैं, और अगर आपका कॉलेज का ऑफिस अच्छा है और आपको ऑनलाइन आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। कई कॉलेज की वेबसाइट पर भी अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं, जैसे नेकीराम कॉलेज की वेबसाइट पर भी है, जाट कॉलेज की वेबसाइट पर भी है। तो दोस्तों अपने जो रीअपीयर के स्टूडेंट हैं वो अपने कॉलेज के साथ टच में रहें, अपनी कॉलेज की वेबसाइट रेगुलरली चेक करें और अपने कॉलेज में विजिट करके जिनकी डेट शीट आ चुकी है वो अपने एडमिट कार्ड ले सकते हैं।